आज का जो ये खास प्रोग्राम जो है माननीय अपर जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में जो हुआ है, ये स्टेक होल्डर्स मीटिंग थी। पूरे जनपद के जितनी भी एजेंसियां हैं वो सभी एजेंसियां आई थी और हमने इनको जो है बेसिक डिजास्टर, खास तौर से फ्लड एंड रेस्क्यू की, अर्थक्वेक सेफ्टी की, रेल रोड एक्सीडेंट की और जो है ब्लीडिंग कंट्रोल, इसके अलावा जो है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, हेड इंजरी और इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी मूवमेंट का तरीका बताया। ताकि ये आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिए जाने हेतु कार्यशाला बुलाई गई थी। इसमें NDRF वाराणसी की 11वीं टीम द्वारा, 11वीं बटालियन द्वारा प्रशिक्षण दिया गया और इसमें पुलिस के लोग, राजस्व विभाग के लोग, सिंचाई विभाग के लोग, PWD के लोग, स्वास्थ्य विभाग के लोग और पब्लिक स्टेक होल्डर्स, जिसमें बस एसोसिएशन, ड्रग एसोसिएशन, व्यापार मंडल और अन्य सभी एसोसिएशन और NGOs को बुलाया गया था, ताकि ये सब लोग, समुदाय और समाज के लोग किसी भी आपदा की स्थिति में, जैसे सड़क की दुर्घटना हो, रेल दुर्घटना हो, फ्लड हो, बाढ़ हो, फायर फाइटिंग हो, उसमें ये इनके द्वारा प्रशिक्षित किए जाने पर उन स्थितियों से खुद भी बाहर आ सकें और लोगों को भी बाहर निकाल सकें।